सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी ठीक हो। और मैं 4:30 बजे उठ गया था, मैंने दिखाया भी था टाइम सुबह उठ के। इसलिए उठा था क्योंकि दीपांशु के साथ मुझे कहीं शूट पे जाना था, लेकिन फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया। तो फिर मैं 6 बजे तक जगा, लेकिन फिर मेरे को नींद आ ही गई। मैंने सोचा था जल्दी क्लास चल जाऊँगा, लेकिन नींद आ गई। अब 9:30 हो रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ क्लास, हाथोज वाली क्लास, इतना दूर, क्योंकि 4-5 दिन हो गए वहाँ गए हुए। तो विशु का और एक दो जने और, उनका कॉल आ रहा है कि आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। तो सोच रहा हूँ आज जा ही आता हूँ। वैसे ही बाइक तो सर्विस हो ही गई है, तो चेक भी हो जाएगी, इतना दूर जाऊँगा तो। और आज मैं सोच रहा हूँ नए नए कपड़े पहन के जाता हूँ, इतने दिन से पता नहीं था मेरे पास इतने नए कपड़े पड़े, मैं पहनता ही नहीं था। आज नए कपड़े पहन के जाऊँगा, लोअर टी शर्ट भी नए। वाह, चलो चलते हैं। गाइज, मैं क्लास से तो घर आ गया था काफ़ी देर पहले, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ दीपांशु के साथ शूट पे। उसको थोड़ा मतलब दूर है उसका शूट, तो उसने कहा कि मेरे को लेके चलेगा साथ में, तो सही है, मेरा भी घूमना हो जाएगा। इतने दिन से हम दोनों गए भी नहीं कहीं पे, तो खाना पीना मेरा हो गया, नहा भी लिया हूँ। लग रहा हूँ ना नहाया हुआ, नहीं लग रहा तो कमेंट करके बताना मत कि बोले नहाए हुए नहीं हो, नहा रखा हूँ मैं। हेलमेट लेना है यार सूरज भैया के घर से, उधर ही है ना, ये रहना। क्या ही मौसम हो रहा है लाला, मजा आने वाला है। तो गाइस, हम लोग चौक पुलिया आ गए, और मौसम का आप सभी को बताता हूँ, बता देता हूँ मैं मौसम विभाग से। ये खबर आई है आयुष वर्मा कैमरामैन के साथ, आयुष वर्मा कैमरामैन के साथ, और DRX एंकर है क्या तू? DRX एंकर को भैया मारेंगे। दीदी चला रही, दीदी चला रही है, भगा भगा दीदी, दीदी को भगा। तो मौसम के सूत्रों से पता चला है कि आज आंधी आने की संभावना है गाइस। जैसा कि पीछे दिख रहा होगा आपको, KGF तो लगी हुई है, पर हम जा नहीं पा रहे क्योंकि बात ऐसी है, पैसा नहीं है गाइस। अभी हम इतने से मरते मरते बचे हैं, सच बता रहा हूँ। मतलब तू बोल रहे, मैं तो डर रहा हूँ, बोल ना। गाड़ी वाला था जो उसने एकदम ब्रेक लगा दिया, एक गाड़ी वाला था उसने मतलब हेड टू हेड ब्रेक लगा दी है, इतनी सी गाड़ी बच गई, वरना तो अच्छे से ब्लॉगिंग हो जाती है अभी। तो भाई अपनी गाड़ी अभी तक मेरा दब दब हो रहा है, वो तो गाड़ी अच्छी थी हमारे पास भाई, अगर कोई नॉर्मल सी गाड़ी होती ना तो डिस्प्ले वगैरह वाली है, वरना तो ऐसे जाके ऐसे घूम गई। क्या कर रहा हूँ भाई, ये पता क्या बोल रहा हूँ, नए नए ड्राइवर आ रहे सारे। बाकी भगवान का शुक्र है, बचा लिया भगवान ने, और मस्त मौसम हो रहा है गाइस, मतलब एकदम सेक्सी मौसम हो रहा है, हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी। मैंने सोचा था गर्मी होगी, लेकिन हाँ है गर्मी, लेकिन अभी तक ठीक ठाक है, डेली जैसी नहीं है। अब मौसम तो बहुत तगड़ा होने वाला है, मौसम अच्छा है, और आपको आगे चल के मौसम के पूरे सूत्रों से पता चलती है सारी खबरों के साथ। मिलता हूँ आयुष वर्मा के साथ, चलिए।
तो फाइनली गाइज हम लोग हमारी लोकेशन पे तो पहुंच गए और अभी शूट स्टार्ट ही करने वाला है बस दीपांशु, देखते कैसा क्या रहता है और आप सभी को भी दिखाता हूँ उसके थोड़े से BTS। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी लग रही है, मेरे पीछे दिख रही होगी। जगह तो अच्छी है ना भाई, बता सारा है क्या बता भाई, वो तो एडिट हो जाता है, तेरे को लग रहा कैसा यार शूट करके वाला ला तो बहुत बार कर चुका है, अच्छा लगा ना, लेकिन भैया अच्छा करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा यहाँ का तो शूट कंप्लीट हो गया है और अभी पहले अपन चल रहे हवा महल दीपांशु। ये अल्बर्ट हॉल है, ओ वाओ ये अल्बर्ट हॉल यहाँ पे है, नाइस। क्या ही मौसम हो रहा है यार, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है लेकिन क्या कर सकते हैं। हमारा वहाँ का भी शूट कंप्लीट हो गया है और अभी जिनका हम शूट करने आए हुए हैं वो हेयर स्टाइलिंग वगैरह करवा रहे हैं खुद की शेड्स में, तो मैं और दीपांशु घूम रहे थोड़ा सा क्योंकि अब गर्मी लगने लग गई है, मतलब उमस हो गई है, देखते हैं चांदपोल की गलियों में घूम रहे हम। तो गाइज अभी हम लोग जाके आ रहे हैं थोड़ा, मतलब आमेर साइड चल रहे हैं ना अपन, आमेर साइड जाके आ रहे हैं क्योंकि इधर कोई भी लोकेशन अच्छी दिख नहीं रही है, देखते आमेर में भी कुछ अच्छा मिलता है तभी कर पाएंगे शूट। और टाइम 6:30 हो गए, 6:30 टाइम हो गया तो लग नहीं रहा शूट हो पाएगा, ये देख लो हवा में देख लो इस टाइम पे भाई, मेरे को नहीं लगता शूट होने वाला तुम्हारा है ना, शाम के 6:45 हो रहे और अंधेरा होने वाला है, लेकिन भैया को अभी भी शूट कराना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इनका शूट हो कैसे पाएगा, वैसे हम अभी पूरी पिंक सिटी घूम रहे शूट के लिए सिर्फ, क्योंकि लोकेशन नहीं मिल रही हमें। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। 7:30 हो चुके और हमारा शूट कंप्लीट हो गया गाइस, और अभी भी हमें ट्रैफिक ही मिल रहा है, मतलब घर पहुँचते पहुँचते 8:30 हो जाएंगे। तो चलिए घर पहुँच के बात करते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, मतलब मॉर्निंग में खाया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही, तो देखते हैं दीपांशु भी आता सीन। तो गाइज हम लोग अभी मतलब दीपांशु के दांत में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा वाला, तो मैंने सोचा कि मेरा जानकार मतलब एक हॉस्पिटल है जिधर मेरे पापा वापस सब चेकअप कराते, तो इसको भी वही लेके आया हूँ, और आज इसका मतलब नसीब अच्छा बोल सकते या फिर किस्मत, आज फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप हो रहा है, चले दिखाता हूँ लेकिन क्या दिक्कत है ना, दांत तोड़वाया आज इसका। जय भैया एंट्री करवा दे, आज देखते तेरा भाई, अगर तेरे दांत निकालने को बोल दिए तो पैसे वैसे काई के भी पैसे नहीं देंगे हम, पर आराम से बैठ भाई, क्या मोटी दिक्कत, दांत और निकालने की बातें चल रही थी मैं तो मजाक में ले रहा था लेकिन सही में।